यहाँ की व्यवस्था आपकी मुझे गड़बड़ लग रही है बहुत। एक ठीक SSP का ऑर्डर लाइए तो आपको जाने मिलेगा। सामने सामने एक गाड़ी निकली है, पता लगा वो SSP के ऑर्डर से निकली। सलाह है प्रशासन को कि कहीं भी आप गाड़ियाँ अगर पार्क करवाइए तो वहाँ पे लोकल कन्विंस दीजिए। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। कहाँ से आई हैं आप? मैं राजरूपपुर से आई हूँ। अच्छा, तो आपको कैसा लगा यहाँ का शासन व्यवस्था? यहाँ की व्यवस्था आपकी मुझे गड़बड़ लग रही है बहुत। एक ठीक है, ट्रैफिक होता है, हर साल होता है, लोकल वालों के लिए भी होता है, लेकिन लोग अपने परिजन के पास ना पहुँच पाए तो मतलब क्या है इस प्रशासन का। हम आए रहे राजरूपपुर से, 11 बजे से मैं घर से निकली हूँ और अभी तक मैं वहाँ नहीं पहुँच पाई जहाँ मुझे पहुँचना था। नारायण ये ट्रस्ट वालों का है, ये नारायण हॉस्पिटल वालों का, और उनके यहाँ पूजा हवन वगैरह था, वहाँ मेरी बेटी ब्याही है, तो हमने कहा कि चलेंगे, हम आएंगे। और समझ लीजिए गाड़ी में पूरा प्रसाद का सामान सब रखा है, लेकिन हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे। वहाँ से मुझे 5 नंबर पुल पे एंट्री दे दिया गया, इधर से जाइए, इधर से जाइए, उधर से 2 नंबर से चली जाइएगा, कोई कहता है 3 नंबर से चली जाइएगा, हर जगह जाम, और हमको कहीं से घुसने नहीं मिला। एट लास्ट तो 2 नंबर से हद हो गई, सारी ट्रैफिक मतलब एकदम खड़े हैं, सारी गाड़ियां खड़ी हैं, और वो कह रहे हैं आप SSP का ऑर्डर लाइए तो आपको जाने मिलेगा। सामने सामने एक गाड़ी निकली है, पता लगा वो SSP के ऑर्डर से निकल गई, और हम लोग बेवकूफ़ हैं, आम जनता बेवकूफ़ है। बोले आप 2 व्हीलर्स पे होती तो फिर भी पॉसिबल था। हमने कहा मेरे हस्बैंड के पैर में प्रॉब्लम है, राजरूपपुर से मैं 2 व्हीलर से कैसे आ सकती हूँ, हाउ इज़ इट पॉसिबल। बहुत ख़राब लग रहा मुझे, मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाई, पूजा ख़त्म भी हो रही है, मेरी बेटी कह रही है मम्मा कब आएंगी, मैं नहीं जा पा रही। 2025 में महाकुंभ है और 40 करोड़ जनसंख्या आने वाली है, आपको लग रहा है कि प्रशासन व्यवस्था दे पाएंगे? हमारी एक सलाह है प्रशासन को कि कहीं भी आप गाड़ियां अगर पार्क करवाइए तो वहां पे लोकल कन्विंस दीजिए, ठीक है। अंदर साइकिल चले, बैटरी ऑपरेटेड स्कूटी चले, बाइक चले, जो भी चले, और जो फिजिकली हैंडीकैप हैं या सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए भी आप कुछ मुहैया कराइए, तब तो अच्छा है, अदरवाइज भी ठीक है, ऊपर से देखें हम बस। 24 में चुनाव है तो किसके पक्ष में आप जा रही हैं? नहीं नहीं, भाजपा का काम नो डाउट अच्छा है, बट अब यहाँ पे हर चीज़ में भाजपा को ब्लेम करना तो ठीक नहीं है ना, है ना। ये मठाधीश लोग हैं कुछ ऐसे जो जिनके बेसिस पे ये सब चल रहा है, लेकिन ये ठीक नहीं, आपकी ठीक नहीं है। किन मुद्दों पे प्रधानमंत्री चुनेंगी 2024 में, आपके कौन से मुद्दे रहेंगे जो प्रधानमंत्री चुनेंगी आप? नहीं, हमारा इलाहाबाद प्रयागराज तो बहुत अच्छा कर दिया है, नो डाउट, लेकिन ये माघ मेला, वाह, हमारे प्रयागराज के लोग वंचित रह जाएं, दूसरे लोग आके यहाँ पे लाभान्वित हों, ये कहाँ तक ठीक है, है ना। तो हम लोग तो नहीं लाभान्वित हो पा रहे हैं, जो हमारे हस्बैंड ही नहीं चल पा रहे हैं तो मैं कैसे अकेले तो नहीं जाऊंगी गंगा जी, है ना। और अच्छा एक चीज बताइए, भारत जोड़ो यात्रा से आपको क्या लगता है कि कांग्रेस को फायदा होगा? नहीं, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। नहीं नहीं, हमको पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट आज हमको बहुत बुरा लगा इसलिए मैं इतना बोल पा रही हूँ। मैंने वहाँ पे पुलिस वालों से भी कहा कि बहुत ख़राब व्यवस्था है आप लोगों की, हम लोग कहाँ से जाएं ये तो बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।